तो दोस्तों पटेल इंजीनियरिंग ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। उससे पहले बता दूँ, आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग कंपनी के फंड रेज को लेकर भी थी और कंपनी की तरफ से फंड रेज 500 करोड़ का किया गया है और जो होने वाला है QIP के थ्रू। तो याद रखिएगा, QIP के थ्रू कंपनी का फंड रेज होने जा रहा है। कंपनी 500 करोड़ फंड अरेंज करने जा रही है QIP के थ्रू। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1021 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 954 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो बढ़ के 1061 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने मिलता है। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 11% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 996 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 940 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1030 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एंड अवेज कंट्रोल में है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 38 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 23 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी देखें तो बढ़ के 68 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने मिला। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 3 गुना कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको होता हुआ देखने को मिला। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को, वहाँ पे भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 80% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो इतना बड़ा कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ गया जब कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा नहीं बढ़ा फिर भी? तो देखिए उसके पीछे एकमात्र रीजन है कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम। इस क्वार्टर में क्या हुआ है, इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू 37 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 60 लाख के आसपास का लॉस लगा था। पिछले साल देखें तो 7 करोड़ का लॉस लगा था। तो इस वजह से कंपनी का जो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है इतना बड़ा आपको देखने को मिला, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम हटा के अगर कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 49 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 40 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो 45 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 12% के आसपास बढ़ता हुआ देखने मिला है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने, अप्रोक्सीमेटली 8 से 9% के आसपास की गिरावट है। चलिए कंपनी का EPS क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 46 पैसे के आसपास, पिछले साल 35 पैसे का, अभी देखें तो 90 पैसे के आसपास है। तो EPS जो है बेसिकली नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पर ही है, कंपनी का रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।